बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटन रे जहां बड़ अपडेट आज कोर्ट रे हाजर हे महांगा विधायक प्रताप जेना ये सबुठ बड़ खबर वर्तमान समय बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटन रे आज कोर्ट रे हाजर हे महांगा विधायक प्रताप जेना एने स्वतंत्र मेसेंजर जरिया रे समन करथिले सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट कोर्ट को निर्देश मुताबक आज महांगा विधायक प्रताप जेना हाजर हे प्रताप को विरोध में 302 506 120 बी भली संगीन दफा लगी आज से निजे कोर्ट को आसिबे ना तांको वकिल कोर्ट आसिबे तांको पक्षरु जहाँ कहा जा से निजे वकिल आसिबे ना तांकर निजे आसिबे ना तांको वकिल कोर्ट आसी पक्ष रखिबे ताकू अपेक्षा करा जाइछि किंतु जहाँ खबर आसुछि जे आज कोर्ट रे हाजर होई पारंती विधायक प्रताप जेना बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटन रे आज कोर्ट रे हाजर हे महांगा विधायक प्रताप जेना एने स्वतंत्र मेसेंजर जरिया रे समन करथिले सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट आउ कोर्ट को निर्देश मुताबक आज महांगा विधायक प्रताप जेना हाजर हे प्रताप को विरोध रे जो देखिबा अनेक गुड़ी दफा लगी जो मुख्य दफा गुड़िक जदि कहबा 302 506 120 बी भली संगीन दफा लगी विधायक प्रताप जेना विरोध में आज से निजे कोर्ट को आसिबे ना तांको वकिल कोर्ट आसी पक्ष रखिबे ताकू अपेक्षा करा जाइछि काहेकि ना जेतेबेले तांको स्वतंत्र मेसेंजर जोगे समन हेबा पाई नोटिस होइथिला एवं कोर्ट को निर्देश मुताबक आज तांको हाजर हेबाकु पड़िबो कोर्ट रे किंतु निश्चित अपेक्षा रहिबो जे निजे विधायक आसुछंती ना तांको वकिल आसी कोर्ट रे पक्ष रखुछंती असित सामल महांगा प्रतिनिधि आम सहित तो फोन लाइन जोगे जोड़ी होती खबर बाबद सूचना पाई असित जहां खबर आसुची आज कोर्ट रे हाजर हे महांगा विधायक जो डबल मर्डर घटन रे जो दफा विरोध में लगी जो स्वतंत्र मेसेंजर जोगे समन होता जे कौन सूचना आसुची बाबद जे आभास कौन मिलुची जे निजे प्रताप जेना विधायक जे कि डबल मर्डर घटन संप्रुक्ति तो से निजे आसिबे ना नाही तांको को तांको वकील आसी कोर्ट रे पक्ष रखिबे किछि खबर मिलुछे बाबद रे देखंतु निवेदिता जो बहुचर्चित महांगा डबल मर्डर घटना जे आपण जानिथिबे ये जो बीजेपी रो जो पूर्वतन अध्यक्ष थिले कुलमणि बराळ एवं दिवसिंह बराळ को अति निर्मम भाबे हत्या कराइतला जदि आमे कहि परिबा प्रताप जेनांकर कोठना कोठी जो षडयंत्र थिला प्रताप जेनांकर इंगित रे जे बाकी विश्वास शरत नायक मध्ये आ भितरे थिले ए घटना को बहुचर्चित घटना घटी जाइला किंतु जदि आम कहीपर किसी दिन पूर्व स्पेशल मैसेंजर रे महांगा विधायक प्रताप जेना को समन जारी होता आज आसिक 31 तारीख दिन हाजर हबार जदि आम कहीपर कौटिना कौटि निश्चित भाव प्रताप जेना बारंबार अड़ुआ बढ़ी चलती कारण जो दफा विरुद्ध लगी 302 मर्डर दफा 506 120 बी भाई संगीन दफा लगी सब बड़ कथा हम जेएमएफसी कोर्ट मानव जेएमएफसी कोर्ट स्पेशल मैसेंजर जरिया रे तांको समन जारी करते आज 31 तारीख में हाजर हवा कथा सब बड़ कथा निवेदिता आज से निजे आसिबे ना तांको पक्षर कौन वकिल निजुक्ति दिखाई से घटनार किसी समय पर जना पड़ो सब बड़ कथा तापर कोर्ट को राय कौन आसो समस्त नजर रोटिना कौटि ये घटना रे बारंबार प्रताप जेना विरुद्ध में विभिन्न विरोध दल उठी साक्ष्य प्रमाण को मध्य आधार करी विरुद्ध में 306 506 120 बी भाई संगीन दफा कोर्ट लगे ये घटना आज जेहेतु समन जारी होता आज हूँ 31 तारीख 31 तारीख से एवं नजर रहा निवेदिता जे निजे सी हाजर हे ना तांकर पक्षरु के वकिल नियुक्ति कराई थी वो एक घटना रा किसी समय पर ही जना पड़ी होनी बेटा किसी समय पर जना पड़ किंतु असित जदि कह जानते जे जिते बड़े जी मुख्य कहा जाऊला अभियुक्त प्रताप जेना जो ना अभियोग एमती कि ना काटि दि जा मुदाला नंबर रु परवर्त समय पुणी ना सीधा सड़क स्वतंत्र मेसेंजर जोगे समन करागला समस्त नजर निश्चित रही असित जे आज निजे प्रताप जेना कोर्टे आसी हाजर होती ना ना वकिल आसी हाजर कहीं ये बहुत चर्चित घटना आप जानते असित ये घटना राज्य में बेस आलोड़न सृष्टि करता पुणी जो आईन मंत्री निजे थे प्रताप जेना जो बड़ विभाग दायित्व थे सेठू ना अभियोग रही आसी बड़ चर्चित घटना राज्य निश्चित भाव में जो मंत्री पद जा चर्चा हुए
हाँ देखो नवेदिता जिते बड़े आईन मंत्री थे प्रताप जेना ना 13 नंबर मुदा लाइसा ना एतला दिता जे कुलमणि बराल पु रमाकांत बराल ना अभोग करते कि पुलिस जेहतु से आईन मंत्री थे पुलिस कौट ना कौटी महांगा पुलिस चापर रही ना काटिदेला परवर्त पर्यायर जदि कह आम रमाकांत बराल कोटेज पिटन दाखल करते रमाकांत बराल देहांत पर भाई जे रंजित बराल कोटेज पिटन आधार में जो साक्षी चारज पांच जन साक्षी आधार और जो सीडीआर रिपोर्ट थी कौटि ना कौटी जो आईन मंत्री जे मुख्य अभियुक्त थी प्रफुल्ल विश्वाल सहित कथे लैंड फोन रु जी अभियुक्त मैंने सहित फोन में कथे से आधार में कौटि ना कौटी मान्यवर कोर्ट उपलब्ध कले निहाती प्रताप जेना कौटि ना कौटी हाथ अच्छी प्रताप जेना कौटि ना कौटी आ भितर ये मर्डर षड्यंत्र सामिल अच्छा से विरुद्ध 302, 506, 120 भाई संगीन दफा लगला और मैसेंजर स्पेशल मैसेंजर समन जारी होता आज समय रे आज 31 तारीख दिन आसिक हाजर हवा कथा जदि सी हाजर हूँ कौटि ना कौटि अड़ुआ बढ़े पारे पक्ष कौन वकिल निजुक्ति होती ना एने आम कथे कौटी सूचना ना कि किसी समय पर निवेदिता यह घटना पूरा जना पड़ो और सब बड़ कथा जो कोर्ट को राय आप जो कोर्ट को 31 तारीख पर हाजिर होती कि न होती राय जो रही जेएमसी मान्यवर कोर्ट को जेएमसी राय पर समस्त नजर रही है एवं देखा बाकी रहा और सब बड़ कथा जेहेतु सी आईन मंत्री थे कौटि ना कौटी पुलिस चापरे थिला बारंबार प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल परे ही मान्यवर कोर्ट कौटि ना कौटी उपलब्ध कले ना 302, 506 और 120 भाई संगीन दफा लगला निवेदिता निहांती भाव में संगीन दफा लगला आउ असित आज नजर निश्चित रपण नजर रखि था बास्तविक आज विधायक महांगा विधायक प्रताप जेना निजे आसी कोर्ट में हाजर होती ना नाई। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।